हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ग्राम पंचायतों में बजट का टोटा, पिछले दो वर्ष से गांव को नहीं मिल पा रहे हैं SFC का बजट, विकास के काम अटके, पंचायतों पर बड़ी देनदारी, लाखों रुपए के जन दाजल व बिजली के बकाया बिल, बजट के अभाव में नहीं हो रहे हैं विकास कार्य। उपखंड के पंचायत समिति क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा पिछले दो वर्ष से ग्राम पंचायतों में SFC की किश्त जारी नहीं करने से गांव की सरकार का खजाना खाली पड़ा है, जिससे गांव में विकास कार्य ठप पड़े हैं। सरपंचों को चुने एक वर्ष होने को आए, लेकिन बजट के अभाव में विकास कार्य नहीं करा सके हैं। सरकार के निर्देशों पर पंचायतों की बैठकों में सरपंचों ने विकास कार्यों के लिए वार्षिक एक्शन प्लान तैयार कर लिए, लेकिन पंचायतों का खजाना खाली होने से गांव में विकास की राह में रोड़े अटक रहे हैं। वहीं कई ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जनता जल व कई जगह पर बिजली के कनेक्शन भी लाखों रुपए के बकाए होने से काटे गए हैं। ग्रामीण पानी, सड़क सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सरपंचों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं ग्राम पंचायतों में बजट नहीं होने से सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी भी मौजूद हैं। जानकारी के अनुसार पिछले दो वर्ष से राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के तहत विकास कार्यों के लिए स्वीकृति राशि तक नहीं भेजी है। ऐसे में नए सरपंचों के सामने चुनावों में विकास करवाने के लिए किए गए वादों को पूरा करवाना मुश्किल हो रहा है। साथ ही अब अगर गांव में विकास कार्य नहीं होते हैं तो सरपंचों के लिए गले की घंटी बन सकती है तथा पंचायतों पर लाखों रुपए की देनदारी होने से सरपंचों के कपड़े खींचने भी शुरू हो सकते हैं। वहीं तत्कालीन सरपंचों द्वारा एडवांस में कराए गए विकास कार्यों की देनदारी भी नए सरपंचों पर आ पड़ी है। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा FCC केंद्र वित्त आयोग के तहत टाइट व अनटाइट फंड एवं राज्य सरकार द्वारा SFC राज्य वित्त आयोग योजना के जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में ग्राम क्षेत्र विकास के लिए दो किश्तों में राशि भेजी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा FFC के तहत टाइट व अनटाइट की राशि दो किश्तों में ग्राम पंचायतों को भेजती है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा SFC की राशि पिछले दो वर्ष से नहीं भेजी है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत, इन्होंने ये कहा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने हुए दो साल हो गए और दो साल में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में जो वसुंधरा राजे की सरकार रही 5 साल में, जिस तरह से उन्होंने राजस्थान को विकास के रास्ते पर लाया था और विकास की गति कायम की थी, वो विकास की गति पूरी तरह से ठप हो गई है। आज अपन उदाहरण के रूप में देखें तो पंचायतों को राज्य सरकार की तरफ से जो राज्य वित्त आयोग का पैसा मिलता है, एक साल में दो बार दो किस्तें आती है, तो दो साल में राज्य वित्त आयोग का एक पैसा भी पंचायतों को नहीं मिला है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए तनुराम राठौड़, विकास अधिकारी सुमेरपुर, इन्होंने ये कहा। पंचायतों के पास में पिछले एक साल से राज्य वित्त आयोग पंचम है, उसका पैसा ड्यू है, वो आना था, वो अभी पंचायतों में नहीं पहुंचा है। इस वजह से पंचायतों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पंचायतों के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो अपने जो है दैनिक कार्य हैं, आवश्यक कार्य, बिजली पानी, उसके बिल भी नहीं भर पा रही है। इसके साथ ही जहाँ तक विकास कार्यों की बात है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, जब फंड नहीं है पंचायतों में तो उसके विकास कार्य भी नहीं हो रहे हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए हरिशंकर मेवाड़ा, कांग्रेस जिला परिषद सदस्य सुमेरपुर, इन्होंने ये कहा। अभी नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य बना हूँ, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरे को जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिससे की भी सहायता मिली है उनका सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ। अब रही दो साल सरकार की बात, दो साल में सरकार से जितना भी बन पाया है उसने भरसक प्रयास करके कार्य किए हैं। इसमें कोरोना काल आया है, ऊपर सेंट्रल में भाजपा की सरकार होने से प्रदेश में सरकार को किसी तरह का जो फंड मिलना चाहिए, जो हिस्सा भागीदारी होती है, उस भागीदारी को सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं निभा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोगों के खाद्य सुरक्षा के तहत है, GST के तहत है, जो पैसा और गेहूँ आना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भेज रही है। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।